तो आ गए हैं इस कंट्री के अंदर जिसका नाम है इंग्लिश के अंदर कनाडा, और हमारे स्पेनिश में हम बोलते हैं कनाडा, और पंजाबियों की भाषा में कनाडा। रात के 3:30 बज रहे हैं, और 3:30 हम लोग अभी होटल में पहुंचे। ये साइलेंस एरिया है, पूरा रेसिडेंसी एरिया है, क्योंकि ये हमारा घर है एयरबीएनबी का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो फाइनली हम लोग का पहला दिन है कनाडा के अंदर, और हम लोग है यहाँ कनाडा के शहर बर्लिंगटन में, जो कि टोरंटो से 40 मिनट के ड्राइविंग की दूरी पर है। रात को हम लोग आए थे 4:30 रात को आए थे, तो रात को वीडियो शूट नहीं कर पाया था और नींद भी आ रही थी, तो हम लोग सो गए थे। और ये है हमारी होटल, जो कि एयरबीएनबी से हम लोग ने लिया है। बाद में आपको बताऊँगा कि अंदर से कैसी है, कितनी बड़ी है। तो सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 10:30, तो हम लोग निकलने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पर ग्रोसरी लेने के लिए। तो सामने ही है यहाँ पर एक ग्रोसरी शॉप, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वहाँ पर जिसका नाम है फार्म बॉय, अंडा दूध ब्रेड वगैरह लेना है। देखो बड़ी ट्रक आ रही, कितनी बड़ी ट्रक है। हालांकि पनामा से फ्लाइट सिर्फ 6 घंटे की थी, लेकिन 7 बजे की थी, और यहाँ पर हम लोग पहुँचे 2 बजे। इमिग्रेशन प्रोसेस बिल्कुल ईजी था, ऑटोमेटिक हम लोग ने मशीन के अंदर इमिग्रेशन प्रोसेस किया। वहाँ पर कोई स्टाफ के पास हम लोग नहीं गए, तो मशीन के अंदर हमने पासपोर्ट स्कैन करके फ़ोटो निकाल के इमिग्रेशन कर लिया। पासपोर्ट पे स्टैम्प भी नहीं लगा और हमें एंट्री दे दी यहाँ पर। तो ये है होटल, अभी अंदर से आपको बताऊँगा। और कितने की पड़ी टोरंटो में, क्योंकि हाई रेट है बहुत ज़्यादा होटल का, इस वजह से हम लोग ने थोड़ा दूर कराया। टोरंटो में हमने एक हफ़्ते का देखा तो किधर $5,000, $3,000, $6,000 बता रहा था। और ये हम लोग को पड़ी, अभी आपको बताऊँगा वीडियो के आखिर में, तो आप देख के बताना कैसी लगी ये होटल, ये रूम है। और तो ये बाहर का व्यू है ऐसा, हालांकि ये दो घर साथ में होते हैं, ये एक अलग घर होता है और ये एक अलग घर। यहाँ पर गैरेज वाला सिस्टम है, ये एंट्री है, और ये ऑटो चेकिंग था। हम लोग जब आए थे रात को, तो यहाँ पर इतना बड़ा ताला लगा है ऑटो चेकिंग कोड डाल के, इसको आप खोलेंगे तो ये चाबी अंदर रखी हुई थी, तो हमने ये चाबी निकाला, इसके बाद में लॉक खोला, और ये एंट्री एरिया है। यहाँ पर कुछ हमेशा जो ठंडे इलाके होते हैं यहाँ पर एरिया होता है जैकेट्स वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर भी कचरा वगैरह, ये गैरेज आइटम है कार पार्किंग के लिए, और कचरा भी रख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बाथरूम है, और ये सिटिंग एरिया है, टीवी है इतना बड़ा, और किचन है। इसके बाद में बैकयार्ड भी है, बाहर पीछे की तरफ पूरा गार्डन है। सब घर देखो लाइन से, सब घर एक से चिपके हुए, इतने से बैकयार्ड में तो क्या करेंगे। यहाँ पर अभी नीचे एक बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर बेसमेंट के अंदर भी यहाँ पर इन लोगों ने सीटिंग एरिया बनाया है, टीवी है, और बच्चों के खेलने के लिए ये लगा हुआ है, बहुत सारे आइटम। तो ये और ऊपर से व्यू भी है, बाहर का खिड़की है, तो बच्चे तो ये खुश हो गए इसको देख के, इनके लिए खेलने की चीज़ बन गई है। तो बेसमेंट था सबसे पहले, भी ऊपर आपको रूम बताते हैं कितने रूम है। जिधर भी बर्फ गिरती है वहां पर लकड़ी की सीढ़ियां होती है, और तो ये है ऊपर के रूम। राइट साइड पे ये एक रूम है जिसमें बाथरूम भी है, क्लोसेट है, और यहाँ से बाहर का व्यू है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अम्मी सोएंगे। यहाँ पर भी एक क्लोसेट है, वॉशिंग मशीन भी दे रखी है अच्छी। एक और रूम है यहाँ पर डबल बेड के साथ बच्चों के लिए। यहाँ पर एक रूम है, और ये एक रूम है, यहाँ का व्यू बाहर का ये है। यहाँ पर भी क्लोसेट है, बाथरूम है, इसके अलावा एक और ऊपर है, तो ऊपर जाके देख के आते भाई। बहुत ही बड़ा घर है इसमें, नीचे अभी हमने देखा 4 बेडरूम थे,
और ये एक ऊपर वाला फाइनल बेडरूम है, यहाँ पर भी बाथरूम है, क्लोसेट है और बैल्कनी भी है। ये बैल्कनी का व्यू है और ये खिड़की का व्यू है। तो ओवरऑल बहुत ही बड़ी होटल है, बहुत ही बड़ा घर है। तो ये है हमारा एयरबीएनबी का घर एक हफ्ते के लिए, तो जो कि हमको पड़ा है 2,500 यानी 2,500 US डॉलर में। और अगर यही चीज़ आप अगर टोरंटो में लेने जाओ तो आपको 6 से 7 हज़ार डॉलर में मिलेंगे। हमने चेक किया था अपार्टमेंट और होटल वगैरह, तो मिनिमम मिनिमम 3 साढ़े 3 हज़ार से स्टार्ट होता है एक हफ्ते के लिए। और इतना बड़ा हम लोग ने इसलिए लिया क्योंकि अभी मेरी बहन ही हमारे साथ ज्वाइन होने वाली है, जो कि ग्रीन एयर से आने वाली है। आ चुकी है कनाडा में 2 दिन पहले ही, लेकिन वो अपने अपनी ननन के यहाँ पर है, 2 दिन वहाँ रुकने वाली है और आज हमारे साथ ज्वाइन होने वाली है। तो उनके 4 बच्चे हैं और उन लोग दोनों, तो 6 लोग हुआ है और हम लोग 5 लोग हैं, तो टोटल 11 लोग हैं यहाँ पर इस घर में रहने वाले एक हफ्ते के लिए। Thank you.